हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय और इसमें हम समझेंगे भिन्न यानी भिन्न की अवधारणा यानी भिन्न होती क्या है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के हिस्से को एक हिस्से को दर्शाती है। यानी भिन्न वो संख्या होती है जो कि किसी पूरी चीज़ को पूरी एक चीज़ को उसके अलग अलग हिस्सों में से किसी एक हिस्से को दिखाती है। पूर्ण एक वस्तु या फिर वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो एक पूर्ण जो है वो एक वस्तु भी हो सकता है और कई वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ बातें जरूरी याद में रखनी जरूरी हैं, जैसे कि एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। यानी जब भी हम किसी को भिन्न के रूप में दिखा रहे हैं तो हमें इस बात को पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी जो सभी भाग हैं ना वो बराबर होने चाहिए। और दूसरी एक बात, जैसे अगर हम भिन्न को इस तरह से लिखते हैं 5/7, कैसे लिखते हैं 5/7, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको कहते हैं अंश यानी 5 अंश हैं और जो नीचे वाली संख्या है 7 उसको हम कहेंगे हर यानी 7 हर हैं। तो 5/7 में 5 अंश हैं और 7 हर हैं। तो अगर आप साथ में एक पिक्चर देख रहे हैं एक फिगर देख रहे हैं वहाँ पर फ्रैक्शंस को बहुत ईजीली सिखाया गया है। जैसे इसको हम कहेंगे पूर्ण क्योंकि ये पूरी एक है पूर्ण। फिर इसके अलग अलग हिस्सों को जब कलर किया गया तो उससे हमारी भिन्न बनी। जैसे अगर हम इसके 4 बराबर भाग कर दें तो कुल भाग हो गए 4 और उसमें से एक मैंने रंग दिया तो क्या हो गया 1/4 यानी 4 में से एक हिस्सा रंगा हुआ है। फिर इसी तरह से अगर हम इसको करें कि एक किसी भी चीज़ के हम 2 भाग कर दें कुल भाग हो गए 2 और एक हिस्से को रंग दें ये हो गया पूरा एक हिस्सा। तो इसका मतलब 2 में से 1 हिस्सा रंगा हुआ है यानी 1/2। फिर इसी तरह से उसी वस्तु के उसी पूरी वस्तु के हम 4 भाग कर देते हैं तो कुल भाग 4 और 3 को हमने रंग दिया 1, 2 और 3 तो भिन्न हमारी बन गई 3/4। चलिए अब संख्या रेखा पर देखते हैं कि भिन्न को कैसे दर्शाया जाता है। जैसे 0 से 1 ये पूरी एक चीज़ है और जब हमने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया कितने टुकड़ों में 2 टुकड़ों में तो कुल टुकड़े हो गए 2 और दोनों में से हर एक हिस्सा 1/2 भाग को दिखाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है कुल भाग 2 हैं ये वाला और ये वाला और उसमें से हम इस भाग को दिखा रहे हैं तो ये भाग हो गया 1/2। इसी तरह से जब एक चीज़ के हम 4 टुकड़े कर देते हैं तो हर भाग हमें क्या दिखाएगा 1/4 क्योंकि 4 टुकड़े हैं उनमें से 1 भाग। दूसरे भाग को अगर हम 2 भाग लेते हैं तो बन जाएगा 2/4। 3 भाग लेते हैं तो 3/4 और चौथा तो 4/4 यानी 1 ही होगा। 4/4 आना चाहिए यहाँ पे 4/4 लेकिन इसका मतलब 1 होता है 1। फिर हम किसी एक को हम 8 भागों में विभाजित कर देते हैं 8 भागों में बांट देते हैं तो हर हिस्सा कैसे कहलाएगा ये एक हिस्सा 1/8। अगर 2 ले लिए तो 2/8 क्योंकि 8 क्या है कुल हिस्से हैं। 3 ले लिए 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और ये होना चाहिए 8/8 लेकिन 8/8 का मतलब मैंने क्या बताया है 1 क्योंकि ऊपर नीचे हम इसको विभाजित करेंगे तो उत्तर आएगा 1। तो इसका मतलब भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। इसके लिए आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी भिन्न है इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2/3 और 1/3 इसको हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे चलिए मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिखाना है 1/3 और 2/3 तो यहाँ तो लिखेंगे 0 और 1
और इसके हमने तीन भाग कर रखे हैं, इसको लिखेंगे हम ज़ीरो। तो ये हो गया कौन सा भाग, एक बटा तीन, और ये हो गया दो बटा तीन। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आ जाएं दूसरे प्रश्न पर, दो बटा पाँच और तीन बटा पाँच, तो यहाँ तो हम लिखेंगे ज़ीरो और यहाँ पर एक, इसके हमने पाँच भाग कर रखे हैं। तो पहला हो गया एक बटा पाँच, दूसरा हो गया दो बटा पाँच और तीसरा हो गया तीन बटा पाँच। चलिए अब हम करते हैं सी पार्ट। तो इसी तरह हमने इसके छः हिस्से कर दिए, ये हो गया एक बटा छः, दो बटा छः, तीन बटा छः, चार बटा छः और पाँच बटा छः। इस तरह से हम इसको करेंगे। फिर लास्ट है तीन बटा सात और छः बटा सात। तो हमें तीन बटा सात और छः बटा सात दिखाने के लिए ज़ीरो से एक तक सात हिस्से करने पड़ेंगे। तो ये हो गया एक बटा सात, दो बटा सात, ये होगा तीन बटा सात, फिर चार बटा सात, पाँच बटा सात और छः बटा सात। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो है कि संख्या रेखा पर आपको बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिनेंगे कुल हिस्से कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से हमने यहाँ पर हिस्से करे हैं, छः हिस्से करे हैं। कितने हिस्से करे हैं, छः हिस्से। तो ये हो गया एक बटा छः और ये हो गया दो बटा छः, ये तीन बटा छः, ये चार बटा छः और ये पाँच बटा छः। इस तरीके से हमें करना है। पहले काउंट करना होता है कि कितने हिस्से होते हैं। फिर आ जाएं प्रश्न नंबर तीन पर, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, अभी हमने समझा भी है। कुल भाग कितने हैं, चार, एक दो तीन और चार, तो कुल भाग हैं चार। और रंगे हुए कितने हैं, छायांकित कितने हैं, तीन, एक दो तीन, तो ये हो गया तीन बटा चार। इसी तरह से बी वाली आकृति देखें, कुल हिस्से हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो ये आ गया आठ भाग तो कुल हैं, और कितने रंगे हुए हैं, दो, तो भिन्न बन गई दो बटा आठ। इसी तरह अब हम प्रश्न चार करेंगे, ये भी बहुत मज़ेदार है। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित करके दिखाइए। तो अभी हम इसको करते हैं। तो हमें एक आकृति के चार बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, तो कुल भाग हो गए चार, और रंगने कितने हमें उसको, ज्यामितीय आकृति को तीन बटा चार दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके तीन भाग को कलर कर देते हैं। तो अगर मैंने तीन भागों को कलर कर दिया तो ये बन गया तीन बटा चार। क्या बन गया, तीन बटा चार। अब हम करते हैं तीन बटा पाँच को। तो तीन बटा पाँच दिखाने के लिए हमें एक आकृति के पाँच भाग करने पड़ेंगे और तीन भागों को हमें रंगना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा तीन बटा पाँच, दो और तीन, ये बन गया तीन बटा पाँच। तो अगला है दो बटा छः। दो बटा छः दिखाने के लिए छः भाग किए और दो भागों को हमने रंग दिया, तो ये बन जाएगा दो बटा छः भाग। इस तरह से हमें इन तीनों को दिखाना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो
तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।